रेडियो जनकपुर 97 MHz पुष 11 गति से हरेक सप्ताह प्रसारित भ रहल कार्यक्रम पद्धति संरचना सबके लेल। नमस्कार, रेडियो पत्रिका पद्धति में अपने सबके स्वागत है। कार्यक्रम प्रस्तोता हम शीतल शाह, हम सुचिता झा। अकाउंटेबिलिटी लैब आ रेडियो जनकपुर 97 MHz द्वारा संयुक्त रूप में उत्पादन कल जा रहा कार्यक्रम रेडियो पत्रिका पद्धति सबके लेल संरचना निर्माण में मदद करे वाला एक अभियान है। सक्रिय नागरिक, जिम्मेवार नेतृत्व आ जवाबदेही संरचना निर्माण में केंद्रित रह कर हम सब कार्यक्रम तैयार केने छी। आजुक कार्यक्रम के 4 अंक रेडियो पत्रिका पद्धति अहाँ सब हरेक शनि दिन 7 बजे से 7:30 बजे तक सुन सके छी। ई कार्यक्रम के पुनः प्रसारण अहाँ सब हरेक बुध दिन अहि समय पर सुन सके छी। कोरोना महामारी के कारण अखन संसार के अधिकांश देश सब बहुत खराब अवस्था से गुजर रहल है। नेपाल सेहो अहि अवस्था से अछूत नहीं छै, अर्थात अलग नहीं छै। एहन अवस्था में नेपाली जनता के स्वास्थ्य सबसे बेसी खतरा में पड़ल है, किएक तो एतय सुखी सम्पन्न देश सब में जनता के ई हाल छै तो अपना सबके गरीब आ विकासशील राष्ट्र में रह वाला जनता के स्वास्थ्य में कतेक असर पड़ते, से बात हम सब नीक से बुझ सके छी। ओना तो नेपाल के संविधान में मौलिक हक अंतर्गत धारा 35 में स्वास्थ्य संबंधी हक के व्यवस्था कैल गेल हो तो एहन कोरोना महामारी के समय में सबटा हक अधिकार पर ग्रहण लाग चुकल अवस्था देखल जा रहल है, किएक तो नेपाल सरकार के तरफ से हरेक प्रदेश तथा स्थानीय तह से एकर कार्यान्वयन करक लेल आदेश कैल गेल हो तो बहुत ठाम एकर कार्यान्वयन में समस्या देखल गेल बात हमरा सबके जनता सबसे जानकारी भेटल है। अहि कारण आज कार्यक्रम के विषय वस्तु हम सब प्रदेश 2 आ अहि अंतर्गत के स्थानीय तह में नागरिक के स्वास्थ्योपचार के लेल स्वास्थ्य संबंधी सुविधा आ संरचना रखने छी। आ एखन स्वास्थ्य संबंधी संरचना सब में स्वास्थ्य कर्मी तहिना जनता के पहुँच के अवस्था केहन है, अहि सब विषय पर केंद्रित रह कर हम सब आज कार्यक्रम के संरचना कयने छी। श्रोता बिन, आज रेडियो पत्रिका पद्धति भीतर हमरा सब लग रहल है रोचक प्रसंग अंतर्गत देश तथा विदेश में कोरोना संबंधी नया नया रोचक जानकारी सब। तहिना प्रदेश 2 आ अहि अंतर्गत के स्थानीय तह में नागरिक के स्वास्थ्योपचार के लिए स्वास्थ्य संबंधी सुविधा आ संरचना संबंधी एक रेडियो रिपोर्ट, जैमे प्रदेश तथा स्थानीय स्तर में नागरिक सब के स्वास्थ्य सुविधा के की केहन संरचना सब रहल है आ एहन संरचना सब नागरिक सब से प्राप्त करे वाला स्वास्थ्य सुविधा में केहन प्रभाव पड़ल है ताई विषय सब पर एक रेडियो रिपोर्ट सेहो तैयार केने छी। तहिना रेडियो रिपोर्ट के बाद सब दिन जका नेतृत्व संवाद में आइ हम सब लोग के आयल छी प्रदेश आ स्थानीय तह में कोरोना संक्रमित सब के लेल की केहन सुविधा आ स्वास्थ्य संबंधी संरचना सब रहल है। एहन संरचना सब में स्वास्थ्य कर्मी सब के उपलब्धता आ नागरिक के पहुंच केहन है आ ओहि से कोरोना संक्रमित सब की केहन लाभ लऽ रहल है, एहि सब विषय सब पर आइ हम सब बातचीत केने छी। तहिना आइ नागरिक आवाज अंतर्गत हम सब प्रदेश नंबर 2 में कोरोना संक्रमित आ कोरोना के लक्षण देखल गेल नागरिक सब के प्रदेश नंबर 2 सरकार से की केहन सेवा सुविधा सब भेट रहल है। तहिना प्रादेशिक अस्पताल में कोरोना संक्रमित तथा अन्य रोगी सब भोग रहल अपन पीड़ा आ दुख हुनके सब के आवाज में हम सब सुने बेटा करब। तो श्रोता बिन, शुरू करी कार्यक्रम पद्धति में आजुक 4 अंक में विषय वस्तु रहल है प्रदेश 2 आ अहि अंतर्गत के स्थानीय तह में नागरिक के स्वास्थ्योपचार के लेल स्वास्थ्य संबंधी सुविधा आ संरचना विषय में केंद्रित रह कर आजुक 4 अंक के संरचना कयल गेल है। तो श्रोता बिन, सबसे पहले हम सब आजुक कार्यक्रम पद्धति के 4 अंक में हम सब लग आयल छी कोविड संदेश। अहि अंतर्गत देश तथा विदेश में वर्तमान अवस्था में घट रहल नया नया घटना तथा रोचक प्रसंग सब के बारे में अपने सब के जानकारी कराबे के हेतु कोविड संदेश प्रस्तुत करल जा रहल छी। तो सुने कोविड संदेश। अहाँ के मालूम है शीतल सर, WHO कोरोना वायरस उत्पत्ति भेल वुहान शहर में अनुसंधान के लिए 10 आदमी के एक टोली पठावे के तैयारी केने है। हाँ सुचिता, ऐसे पहिने सेहो WHO 2 आदमी के टोली चीन दिस पठेने रहे, लेकिन चीन से प्रवेश के अनुमति नहीं देने रहे। ताई से चीन पर विभिन्न आरोप लाग रहल छल, लेकिन अहि बृहस्पति के WHO चीन आवे लागल बाद आ चीन के वैज्ञानिक सब संगे मिलकर COVID-19 के उत्पत्ति के बारे में संयुक्त अनुसंधान करत से बात चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग से जारी कयल गेल विज्ञप्ति में। तहिना एक आरो समाचार अहाँ के बुझल है सुचिता। कौन समाचार सर? भारत में या शनि दिन से कोरोना के खोप लगाबे के तैयारी भारत सरकार कयने है। जी ओतबे कहाँ, भारत सरकार जुलाई तक 30 करोड़ जनता के खोप लगाबे के तैयारी कयने है, जय अंतर्गत पहल चरण में 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मी तहिना 50 वर्ष आ ओहिसे बेसी उम्र के व्यक्ति तथा स्वास्थ्य जोखिम में रहल 27 करोड़ व्यक्ति सब के खोप देबे के तैयारी कयने है। तो खोप लगाबे के क्रम में 7 जिला में करीब 1,50,000 कर्मचारी परिचालन
संचालन कैल गेल अछि। जी, भारत सरकार प्रयोग में लाइब रहल खोप सब में अस्ट्राजेनिका के स्थानीय साझेदारी सेरम इंस्टीट्यूट संगे मिलकर तैयार पारल कोविशील्ड आ भारत बायोटेक विकास कयने कोवैक्सीन खोप रहल अछि। ई दुनू खोप ठंडा ठाव में राख पड़ला के कारण ओतय के सरकार 29,000 चिशियान बिंदु सब 240 कूलर आ 70 फ्रीजर 45,000 रेफ्रिजरेटर 41,000 डीप फ्रीजर आ 300 सोलार रेफ्रिजरेटर के व्यवस्था कयने अछि। तो श्रोता बिंद कार्यक्रम पद्धति में आ बेर भेल अछि रेडियो रिपोर्ट के, जेमे आई हम सब प्रदेश नंबर 2 के आ आई अंतर्गत के स्थानीय तह में नागरिक सब के स्वास्थ्य सुविधा के लेल की केहन संरचना सब रहल अछि आ एहन संरचना सब मार्फत नागरिक सब प्राप्त कर रहल स्वास्थ्य सुविधा में केहन प्रभाव पड़ल अछि, प्रदेश स्तर में रहल एहन संरचना में स्वास्थ्य कर्मी सब के पहुँच केहन अछि, ऐसे कोरोना संक्रमित सब की केहन लाभ लऽ रहल अछि, कोविड के रोगी सब के लेल केहन स्वास्थ्य सुविधा सब रहल अछि, कोरोना के लक्षण देखल गेल नागरिक सब के परीक्षण कराबा पाबे के व्यवस्था केहन अछि, ओहन सुविधा सब पर नागरिक कतेक विश्वस्त रहल अछि आदि संपूर्ण विषय सब समेटल गेल आजुक रेडियो रिपोर्ट हम सब सुनाबा जा रहल छी। तो सुनी ई रेडियो रिपोर्ट। नमस्कार, रेडियो रिपोर्ट लक आबि गेल छी हम श्रीकांत झा। नेपालक संविधान में मौलिक हक अंतर्गत धारा 35 में निम्नलिखित स्वास्थ्य संबंधी हक के व्यवस्था कयल गेल अछि। प्रत्येक नागरिक के राज्य सँ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त करबाक हक होइत अछि आ ककरो समेत आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा सँ वंचित नहि कयल जाय। प्रत्येक व्यक्ति सब के अपन स्वास्थ्य उपचार के संबंध में जानकारी पेबाक हक होइत अछि। प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य सेवा में समान पहुँच के हक हेबाक व्यवस्था कयल गेल अछि। प्रत्येक नागरिक सब के स्वच्छ खाने पानी तथा सर सफाई में पहुँच के हक रहल अछि। स्वास्थ्य संबंधी हक के कार्यान्वयन कराब नेपाल सरकार हरेक प्रदेशी तथा स्थानीय स्तर में अधिकार प्रत्यायोजन कर रहल अवस्था में हरेक स्थानीय स्तर से नागरिक के स्वास्थ्य उपचार के निमित्त चाह वाला हरेक सेवा सुविधा सबके व्यवस्था मिला पड़वाक अवस्था देखल गेल अछि। तहिना एहि तरह प्रदेशी तथा स्थानीय स्तर से उपलब्ध स्वास्थ्य उपचार संबंधी सेवा सुविधा सब हरेक नागरिक के पहुँच में कतेक रहल अछि, एहि संबंध में हम सब किछु सर्वसाधारण व्यक्ति, कोरोना से गुजरल व्यक्ति, संबंधित निकाय, पत्रकार लगात से हम सब बातचीत केने छी। तो सुनी हुनके सबक आवाज में। हमर नाम अकुल प्रसाद साहब है, हम पत्रकार महासंघ सदस्य छी। हुनका के अपने के शुरू में जो कोरोना लगल तो अपने के अवस्था बहुत विकराल छल, कैला की अपने के एक अपने के पीसीआर मशीन पर लोग के विश्वास साफे नहीं हो लगल, जरा कोरोना नहीं है एक पीसीआर पर टेस्ट कर कोरोना निकले जाए, दोसर पीसीआर में तो कुंडे टेस्ट कर कोरोना नहीं निकले जाए, और इनमें सरकार अपने के की कह कि अपने के 14 दिन के बाद कोरोना अपने मने खत्म हो जाए, अब आज कोरोना अपने के टेस्ट लग के लेबे कर गए और 8 दिन 10 दिन के बाद वो रिपोर्ट अभी कोरोना से ओकरा तक बाद कहती 3 दिन क्वारंटाइन में जाओ बैठू आ कोरोना ठीक हो गया, तो 8-10 दिन कतः कतः गल तर को छानबीन नहीं कथी कथी कल रिपोर्ट अत लेट भले ते लगी वो के कारण से सरकार है के अथी नहीं कल आ 14 दिन क्वारंटाइन में रखल के बाद 14 दिन के बाद कहीं तरह कोरोना ठीक भग गलो अहा जा सके घरे चीज सब हमारा नहीं को टेस्ट नहीं करके चीज कहते तो अहा कोरोना ठीक भ सके जाओ घरे, कोरोना से तो काल मरते एक गंदगी से क्वारंटाइन एशिया के टॉप 10 अपने के सफी में एहि तरह नागरिक सब के देल गेल प्रतिक्रिया तथा गुनासो के संबोधन करैत आ प्रदेश 2 में नागरिक के स्वास्थ्य उपचार के लेल कतेक मात्रा में स्वास्थ्य उपकरण सब के व्यवस्था कयल गेल अछि, एहि विषय में हम सब प्रदेश नंबर 2 के प्रदेशिक अस्पताल के डॉक्टर जामुन प्रसाद सिंह संगे बातचीत केने छलहुँ। तो सुनी डॉक्टर जामुन प्रसाद सिंह संगे कयल गेल ई बातचीत। जी नमस्कार, हम डॉक्टर जामुन प्रसाद सिंह एमबी पीडियाट्रिक्स बाल रोग विभाग के प्रमुख छी, प्रादेशिक अस्पताल में एकर बाद में कोविड के धनुषा जिला के सम्मेलन छी, उनके 8 बेड के आईसीयू हुई में एक वेंटिलेटर है, मैकेनिकल वेंटिलेटर ही हुई में, एकर बाद में अपने के उनमें डायलिसिस छुट्टे यूनिट है, एक कोरोना पॉजिटिव होने के लिए पूरा डायलिसिस चला आप रहे तो डायलिसिस यूनिट ही हुई में एक छुट्टे, एक बाद शंकास्पद कोरोना के शंकास्पद वार्ड भी है अलग से, इस चीज के भौतिक सुविधा इस चीज के अखन अवेलेबल उनके साथ साथ लैब के जांच सब मिले, लैब में जनरल जांच मिले, टेस्टिंग मिले, कोविड के टेस्टिंग मिले, जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल में जब जांच हुई है सारा जांच अखन हुई है, कुछ दिन पहले तक सिटी स्कैन अवेलेबल नहीं छे कोरोना के लिए जनरल अस्पताल में तो छे, लेकिन आप कहीं गाइडलाइन सब चेंज होने के वजह से वही सिटी स्कैन के कोरोना के लिए हम सब यूज कर रहा है। स्वास्थ्य कर्मी 1 महीना पहले तक करार के स्वास्थ्य कर्मी सब छे, लेकिन पेशेंट के संख्या अत्यंत कम भेला के वजह से स्वास्थ्य कर्मी सबके नहीं रखा सकले अस्पताल में, लेकिन उनका सबके तलब भत्ता के अभाव, अब अखन पे
पेशेंट है तो पैसा आवे छे पेशेंट नहीं तो कमी है अवस्था में स्टाफ के तो कमी है मेडिकल अफसर के अभी कमी है मेडिकल अफसर अभी एक महीना से पेशेंटो नहीं एक महीना से कोटा पेशेंट नहीं खाली जांच अखिर हो रहा है कोरोना के जांच तो प्रादेशिक अस्पताल में हो ही रहा है डॉक्टर लिखे ही ना डॉक्टर साहब सब ओपीडी में अलहा पेशेंट के भरना फैला पेशेंट के अस्पताल में ओपीडी में अलहा पेशेंट के भरना फैला पेशेंट के डॉक्टर साहब सब कोरोना के टेस्ट लिखते तो ओकरा हम सब टेस्ट कह दी आ बाहर के आम जनता अपना स्वेच्छा से हम कोरोना के जांच कराए कहते तो ओकरा लेल सुविधा न है ओकरा लेल प्रादेशिक लैब में जाए पड़ते प्रादेशिक लैब में सुविधा है हमरा सब के बीमारी के ट्रीटमेंट आप कोरोना की बीमारी के लगे चला जाए हम सब बीमारी के क्रम में कोनो बीमारी में डिफरेंशियल डायग्नोसिस निमोनिया है खांसी है और एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस में कोरोना भी आवे छे डॉक्टर साहब सब ओकर जांच लिखे छथिन तो ओकर जांच लिखे छथिन तो वो जांच हम सब कह दी कोरोना के टेस्ट हो रहा है गंभीर बीमारी के लिए आईसीयू है उनमें 8 बेड के तेकर बाद में ओमे वेंटिलेटर है जनशक्ति के ही करार के कर्मचारी हटौला के बाद में जनशक्ति के चरम अभाव है अगर अखन 10 को गंभीर बीमारी आवे तो भस के है कि क्राइसिस होने की संभावना है क्योंकि मैन पावर शॉर्टेज है अब जनरल अस्पताल की मैन पावर अपने पहले से शॉर्टेज कोरोना के 52 बेड के अलग से चला पड़ते कोरोना में मैन पावर जनरल अस्पताल के संख्या से 92 संख्या लगे दुआरे ओहन अवस्था में अगर केस आते ओहन अवस्था में स्थिति खराब हो सके आंकलन हमारा सबके आवे करा चुकल छी आ करार के पेशे कर्मचारी के फेर भरना खोलबे लेबे फेर तालीम देबे समय लग हमारा सबके प्रस्ताव रहे अस्पताल के प्रस्ताव रहे कोरोना के तरफ से कम 2 साल तक कोरोना के कुछ कर्मचारी कोरोना के युद्ध के संज्ञा देल गेल रहे ते दुआरे कुछ स्वास्थ्य कर्मी पेशेंट है तैयो स्टैंड बाय रहे पेशेंट नहीं हो तो स्टैंड बाय रहे की कखन किया उसे पता नहीं ना लेकिन एक प्रस्ताव में वर्तमान निर्देशिका जो बनेले है नेपाल सरकार वर्तमान निर्देशिका अंतर्गत एक प्रस्ताव में उनका सहमति नहीं है उनका सबके कहब है कि पेशेंट आते तो तखनिये डॉक्टर के व्यवस्था करू तखनिये नर्स के व्यवस्था करू आ तकर बाद में चलाओ ये प्रैक्टिकली लोग ड्राइवो करे छे लोग डिस्टेंसो मेंटेन करे छे लोग मास्को पहने छे तो लोग में तो डर हरा गए तो बाजार निकला सत्ता चली रहा है उल्लेख्य संख्या है नेपालक संविधान मौलिक हक अंतर्गत धारा 35 में उल्लेख कयल गेल हरेक स्वास्थ्य सुविधा सब हरेक नागरिक के पेबाक अधिकार भेला कारणे संपूर्ण नागरिक सब अपन हक अधिकार लेबाक लेल स्वयं आगू बढ़बे त मात्रे ई हक आ सुविधा सेवा सुविधा सब प्रदान हेतै से आशा विश्वास के साथ याठम रिपोर्ट के अंत करै छी नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद आजुक कार्यक्रम पद्धति के रेडियो रिपोर्ट में सहभागी संपूर्ण महानुभाव सब के श्रोता बिन कार्यक्रम में आवक बेर भेल अछि नेतृत्व संवाद के नेतृत्व संवाद में आई हम सब लोग को एलसी प्रदेश आ स्थानीय तह में कोरोना संक्रमित सब के लेल की केहन सुविधा तथा स्वास्थ्य संबंधी संरचना सब रहल अछि ओहि संरचना सब में स्वास्थ्य कर्मी आ नागरिक के पहुँच की केना कैल गेल अछि आ ओहि से कोरोना संक्रमित सब केहन लाभ लऽ रहल अछि एहि सब विषय सब समेट कर आई हम सब बातचीत केने छी तो सुनी अपने सब ई अंतरवार्ता रेडियो पत्रिका पद्धति के 4 अंक में आई हम सब स्थानीय स्तर में स्वास्थ्य सुविधा के लागी की व्यवस्था सब कैल गेल है और तहना प्रदेश और स्थानीय तह में नागरिक के स्वास्थ्य उपचार के लागी स्वास्थ्य संबंधी सुविधा आ संरचना के बारे में आई हम सब बातचीत करब तो हमरा सब के संपर्क में छथिन स्वास्थ्य निर्देशनालय प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय के प्रमुख विजय कुमार झा सर तो हुनका से बातचीत करी सर प्रदेश और स्थानीय तह में कोरोना संक्रमित सब के लागी अर्थात स्वास्थ्य सुविधा के लागी की अपने के जैसे सेवा सुविधा के संरचना निर्माण कल गए जी बहुत बहुत धन्यवाद बड़ा सान्दर्भिक जिज्ञासा अखन जैसे आप सब गोटे के मालूम है कि 3 तरह के सरकार छे स्थानीय सरकार छे प्रदेश सरकार आ संघीय सरकार और तीनों के जैसे सरकार के समन्वय सहकार्य और सह अस्तित्व के आधार में काम करे एक दूसर के सरकार के रेस्पेक्ट करे सह अस्तित्व के स्वीकार करे सहकार्य आ समन्वय करे हमरा सब के स्थानीय सरकार अंतर्गत हेल्थ पोस्ट सब छे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छे और अखन तक जे छे से सब गोटे जनै छी जे कि जे आधारभूत अस्पताल सब सेहो जे छे से निर्माण भेल छे 5 बेड 10 बेड आ 15 बेड के अस्पताल सब के शिलान्यास भी व्यापक रूप में जे छे से भेलैए मंसिर 15 गते तो अस्पताल सब के भी निर्माण भ रहल छे आगा बढ़ रहल छे तो स्ट्रक्चर के आधार पर जे कहबै तो
प्रत्येक वार्ड में जे छै से कमती में एकटा हेल्थ पोस्ट होबक के चाही, प्रत्येक पालिका में जे छै से कमती में एकटा अस्पताल होबक के चाही, और वही आधार पर होबही के नहीं चाही कि ओकर जे छै से संरचना समेत बन के पड़े और फंक्शनल हो पड़े कार्य करे के पड़े सब स्वास्थ्य संस्था सब तय के व्यवस्था। संरचना मुताबिक प्रत्येक वार्ड में अपना सबके प्रदेश नंबर 2 में प्रत्येक वार्ड में है तो स्वास्थ्य संरचना सर? नहीं अखन नहीं छे, ग्रेजुअली जे छै से बन रहल छै। अखनो जे छै से अपने के 56 टा संरचना तो अही बेर में जे छै से शिलान्यास भेलैए प्रदेश नंबर 2 में। तो एक मतलब ये भेलै जे कि जे ग्रेजुअली जे छै से जतय जतय नहीं छै वार्ड सब में ततौ ततौ हेल्थ पोस्ट सब जे छै से बन रहल छै, अस्पताल सब बन रहल छै, और ई फेज बैनर में आगा बढ़त जतै एवं प्रकार से जे छै से अपना सबके सब वार्ड में सब पालिका सब में जे छै से स्वास्थ्य संस्था सबके संरचना अस्पताल सबके संरचना द्रुत गति से आगा बढ़ रहल छै। वही के लेल प्रदेश सरकार भी हमहू सब जे छै से लागल छी जे कि जे हमरा सबके अधिक से अधिक संरचना जल्दी से जल्दी बने आ ऊ जे छै से काम करे बढ़िया से काम करे गुणस्तरीय नियमित और प्रभावकारी सेवा दैत एहिमे हमहू सब लागल छी। अब रहले बात जे कि जे ई संरचना सब तो छै जी, और दोसर बात जे छै से ई काम केना करतै, तो एकरा सबके काम के लेल भी डिफाइन भेल छै जे हेल्थ पोस्ट की करतै, प्राथमिक स्वास्थ्य की करतै, आधारभूत अस्पताल सब जे छै से की करतै, ओतबे संरचना नहि छै। गाँव में पालिको लेवल में यदि जे छै से हेल्थ पोस्ट दूर पड़ै छै कोनो वार्ड में तो वही के लेल जे छै से सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई CHU कहै छै कम्युनिटी हेल्थ यूनिट सब सेहो सब जे छै के निर्माण भेल छै। जेना अर्बन क्षेत्र छै शहरी क्षेत्र छै तो वही ठमन जे अर्बन हेल्थ क्लिनिक के जे छै से सेहो सब जे छै से बहुत संख्या में नहीं छै लेकिन जतय अपायक पड़ै छै तो वही ठमन जे छै से स्थानीय सरकार अपने से निर्णय क के भी कम्युनिटी हेल्थ यूनिट या अर्बन हेल्थ यूनिट सब खड़ा कर सकै। अपना सबके स्वास्थ्य संरचना तो मान लिये वार्ड तक प्रदेश से लक स्थानीय वार्ड तक है, अखिन के अपना सबके देश मात्र नहीं विश्व भर एक जैसे कोरोना संक्रमित के अवस्था भयावह स्थिति अलै। एहन अवस्था में प्रदेश और स्थानीय तह में कोरोना संक्रमित सबके लागि की सुविधा कल गए प्रदेश से की कल गए स्थानीय से की सुविधा भेलै सर? हाँ तो इस संरचना के बात हम कहलौं जे कि जे स्थानीय तह में भी अहाँ के मने ई संरचना सब स्वास्थ्य के छै जी। अब रहले बात जे कि जे कोरोना के लेल प्रदेश सरकार की कलकै, कई दफा ई बात भ चुकल है प्रदेश सरकार से जे छै से जहिया केस नहीं आयल रहे, केस तो अलै चैत में के लास्ट वीक में जे छै से केस एलै पॉजिटिव केस सब, लेकिन फाल्गुन में ही प्रदेश सरकार से हमरा जहां तक मालूम है कि स्थानीय सरकार सब के भी किछ रकम सब अब ठके कते रकम गेलै से तो हम नहीं कह सकब, लेकिन प्रदेश सरकार से स्थानीय सरकार सब में भी पैसा गेलै, संघीय सरकार में भी स्थानीय सरकार सब में पैसा गेलै, जैसे कि कोरोना के राहत के काम जे छै कोरोना से जे विचलित भेल रहे जीवन जनजीवन ओकरा जे छै से सामान्यीकरण करे के लेल किस जैसे से राहत के पैकेज सब से हो गेल रही। ओना पालिका सब के बहुत बहुत धन्यवाद देबे पड़ते जे कि जे उ सब राहत वितरण करल क्वारंटाइन संसाधन कलखिन सब, तो तै दुआरे जैसे से केस सब के काफी मैनेज भेलै, आइसोलेशन भी जैसे से संसाधन भेलै स्थानीय तह में, तीनू सरकार के स्थानीय सरकार के तो बहुत बड़ा योगदान छै, प्रांतीय सरकार भी प्रदेश के सरकार के भी बहुत बड़ा योगदान छै। अखनो जैसे से हम सब प्रदेश सरकार संघीय सरकार के बजट उपलब्ध करेने छै, संघीय सरकार अखनो जे छै से हॉस्पिटल के व्यवस्थापन में HDU सब, अब अपना सब के देखल जाओ जे कि प्रत्येक जिला में RT-PCR मशीन भ गेल, ई बहुत बड़का उपलब्धि प्रत्येक जिला में भ गेलै, प्रत्येक जिला में RT-PCR मशीन भ गेल। अब एहि से अपना सब के फायदा की भेल जे कि जे कोरोना के नहीं कोनो भी मॉलिक्यूलर टेस्ट यदि करय पड़े PCR टेस्ट तो कथु जे छै से हम सब जांच कर सकै छी, ई बहुत बड़ा एक उपलब्धि भेल। दोसर की प्रत्येक जिला में अब अपने के HDU भ गेल, बुझल गेलै तो कहा के मतलब जे कि जे अब सब अस्पताल सब में ICU HDU लगात के ई सुविधा सब जे छै से भ गेलै, तो एकर मतलब ई भेलै जे कि जे हॉस्पिटल के कैपेसिटी भी बढ़लै, आगामी दिन में कोनो टाइप के महामारी या कोनो टाइप के रोग हेतै ओकर डायग्नोसिस ट्रीटमेंट के लेल जे छै से हमरा सबके अस्पताल माने कैपेसिटेट भ गेल, क्षमतावान भ गेल, माने क्रिटिकल केयर के ट्रेनिंग सब संचालन भेलैया, ओहि के कारण से की भेलै जे कि अस्पताल
अस्पताल के क्षमता अभिवृद्धि भेलैए, कोनो भी क्रिटिकल केस, सीरियस केस, सीवियर केस हेतै तो ओकरा मैनेज करे के क्षमता अभिवृद्धि अस्पताल सबके भ गेलै। आई बहुत बड़ा पाठ पढ़लकै है सॉलिडारिटी। दोसर बात कथी जे समन्वय सहकार्य में कते ताकत होइ छै से बात सेहो देखलकै है। कहला तऽ ई एकटा पक्के मात्रे नहि, एहिमे स्वास्थ्य आ स्वास्थ्य बाह्य के क्षेत्र भी जे छै से सब एहिमे लगलै है। सेना, प्रहरी, सुरक्षा निकाय, मीडिया के पर्सन अपने सब सेहो बहुत बड़ा योगदान छै। तऽ ताहि दुआरे जन समुदाय के सबके जे छै से योगदान छै आओर वास्तव में जे छै से ई एकटा बहुत बड़ा लेसन देलकै है। तऽ एहिसँ ई भेलै जे कि जे माने अपना सबके प्रदेश मे स्वास्थ्य के क्षेत्र में से बेसी उपलब्धि सब से भेलैए। हमरा सबके जे छै से यदि उपचार हेतै, उपचार करय के अवस्था हेतै तऽ अपने प्रदेश में बहुत सारा उपचार सब कऽ सकै छी। अब सब तऽ नहि भऽ चुकलै, अखनो बहुत किछु बाकी छै। अखनो बहुत किछु बाकी ई छै जेकि जे 60 लाख मोटा मोटी पॉपुलेशन अइ, ओहि आधार पर जे छै से जतेक होबय के चाही सुविधा से सब नहि छै। अखनो जे छै से किछु अस्पताल सब, स्पेशल अस्पताल सबके जे छै से कैंसर अस्पताल प्रोसेस में छै, मधेश माने कथी कहै छै प्रतिष्ठान सेहो जे छै से आगा बढ़ि रहल अइ, इहो एकटा उपलब्धि के विषय भऽ रहल अइ अपने प्रदेश में। हाँ, ट्रेन उम्हर जे छै से 12 में जे छै से खुजलै है। हाँ हाँ हाँ, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेहो जे छै से एकटा बहुत बड़ा उपलब्धि अइ। कैंसर अस्पताल के सेहो जे छै से प्रोसेस आगा बढ़ल अइ, उम्हर जे छै से 12 में अपना सबके प्रदेश स्तरीय जे छै से सरुआ रोग अस्पताल तथा महामारी रोग नियंत्रण जे छै से अस्पताल सेहो खुलल अइ, तऽ ओहो जे छै से उपलब्धि भेल। पथलैया में जे छै से अपने के ट्रॉमा सेंटर के जे छै से बात भऽ रहल छै। तऽ ग्रेजुअली जे छै से हॉस्पिटल सबके क्षमता अभिवृद्धि भऽ रहल छै। तऽ ई सारा सरकिन का प्रसंग बदली कोविड लागल और नहि लागल बीमारी सब जे मान लिये लागल वाला सबके केना व्यवस्थापन कैल गेलै आ नहि लागल वाला सबके सहानुभूति या ओकरा उपचार के लागी केना केना व्यवस्था अपना सबके प्रदेश में छलै सर? कोविड यदि जे छै से कोनो अब देखल जाओ की भेलै देखि जे अपना प्रदेश में बहुत युवा सब, बहुत लोग सब बाहर गेल छलथि, एकाएक जे छै से बहुत संख्या में लोग सब युवा सब एलथि एहिठमन। आब हमरा सबके हमरे सबके नहि कि संसारे के कोरोना के बारे में जे छै से बहुत चीज मालूम नहि छलै। नया कोरोना वायरस छलै तो बहुत चीज एकर मालूम अखनो नहि छै आ ताहि समय में तऽ आर नहि छलै एक वर्ष पहले। तऽ हम सब करैत गेलहुँ और सीखैत गेलहुँ और फेर करैत गेलहुँ, तऽ एना कऽ कऽ जे छै से आगा बढ़लै। तऽ रहलै बात कथी जे कोविड लागल वाला आ नहि लागल वाला के केना मैनेज कल गेलै। तऽ पहिले तऽ ओम्हर सब जहन रिटर्न भऽ कऽ एलथि तऽ क्वारंटाइन में स्थानीय सरकार सबके बहुत बड़ा योगदान जे क्वारंटाइन सब संचालन कयने रहथि, क्वारंटाइन में राखल गेलै, स्वाब कलेक्शन भेलै, RT-PCR मशीन के स्थापना भेलै जनकपुर में, एकर बाद जे छै से राजबिराज में, वीरगंज में, धीरे धीरे जे छै से रौथट में भेलै, बर्दीबास में भेलै, अखन आब सब जिला में भऽ गेलै। तऽ स्वाब कलेक्शन भेलै, स्वाब कलेक्शन जे छै से टेस्ट भेलै, टेस्ट में पॉजिटिव भेलै, पॉजिटिव भेलै तऽ शुरू में जे छै से सब पॉजिटिव के जे छै से आइसोलेशन में पठायल गेलै। अस्पताल के आइसोलेशन से नहीं भेलै तऽ हम सब स्कूल में, कॉलेज में जहां भी व्यवस्था भेलै तहां आइसोलेशन के व्यवस्था कयल गेलै। आ ओहिमे राखि कऽ कला तऽ ई तऽ सरुआ रोग छै, एकरा तऽ अलग करय के छलै बीमारी के, आइसोलेट करय के छलै। तऽ ताहि दुआरे जे छै से अस्पताल में, कॉलेज में जहां भी आइसोलेशन बना कऽ प्रदेशो सरकार जे छै से दूटा आइसोलेशन जे छै से गंगली में आ कथी कहै छै जेकि जे एहिठमन CT/VT के जे छै सफी में, तऽ ओहूमे जे छै से संचालन कयल गेलै। तऽ एवं प्रकार से जे छै से जते भी पॉजिटिव केस रहै ओकरा सबके शुरू में आइसोलेशन में राखल गेलै 14 दिन तक कमती में, हुनका सबके जे छै से डॉक्टर के निगरानी में राखि कऽ खप जे छै से जनशक्ति सब लेल गेलै, खप जनशक्ति दरबंदी सब बाहर के जनशक्ति सब भी लेल गेलै और हुनका सबके मैनेज कयल गेलै। बाद में जे छै से शुरू में तो रहे कोविड आ नॉन कोविड हॉस्पिटल, एकर वही से की भऽ गेलै जेकि जे नियमित सेवा सब प्रभावित भऽ गेलै, कोविड के डर से लोग सब नहीं अबै अस्पताल में। ई बात जे छै से सरकार के मालूम भेलै, बुझलकै, हमहू सब कहली जे ई तऽ इनजस्टिस भेलै, ई बात तऽ ठीक बात नहि भेलै। तहन जाकर जे छै से ओ प्रावधान हटाकर सब अस्पताल के जे छै से कोविड के भी उपचार करय के पड़लै
और रेगुलर सर्विस केकरो सबके करके प्रावधान बनले रेगुलर प्रोग्राम सब छै खूब सेवा अखनो सबके नहीं लागि रहल छै बहुत बच्चा खूब से वंचित छै खोजरक ताहि दुआरे वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज से खूब लगा के रोग के रोकथाम कयल जाइ छै ओकरा अचीव करे के लेल पूर्ण खोप केनाइ बहुत जरूरी छै पूर्ण सुरक्षित मातृत्व के बात हम कहबे कयलहुँ हँ ई कॉस्ट इफेक्टिव प्रोग्राम छै बजट कार्यक्रम लेनाइ काफी जरूरी छै और तखने जनता के स्वास्थ्य सुधार भ सकैए जी फेर हम आग्रह करब सर अपने के बहुत बहुत धन्यवाद सर बहुत बहुत धन्यवाद आज कार्यक्रम पद्धति के अंतर्वार्ता में सहभागी होबे के लेल तो श्रोताबिन कार्यक्रम में आवक बेर भेल अछि नागरिक आवाज के आजुक नागरिक आवाज में हम सब सुनाबा जा रहल छी अपना ही सबके प्रतिक्रिया अपना ही सबके आवाज में तो सुने ई नागरिक आवाज हमर नाम गुरु दयाल दास भबौली से तय अस्पताल तो है सब आदमी तो जाय है तक तो सेवा पहुँचिए रहल है की कहे ये कोरोना के लकर के लोग ओतक नहीं मान रहल है और ओपन रूप में जथाभावी भ रहल से सब न है जो कहे जन चेतना जे होबक चाही जे जन चेतना नहीं छे ये और स्टाफ सब तो हॉस्पिटल के ते है सब कुछ होते है लेकिन खास करके गवर्नमेंट तरफ से जे चाही और जी मूलो के कमी रहै छै हमेशा नै हमरा गांव में आई टोल में खास करके दू तीन टोल में कोविड 19 सँ नहीं सुनलिए बंद अखन बचल छै आ लोग ओते सावधानी नहीं अपनबै छै जी अखन तक तो हमरा रिकॉर्ड अनुसार न है कोविड एक आदमी दुकानदार रहे तकरा रहे शंका तो सब सब परिवार सब काठमांडू जा करके जचा फचा के आयल जो परिवार के रहे से एमहर बाद बाकी केकरो अखनी कोविड 19 से प्रभावित है से कह करके नहीं सुनल सब परिवार गेल है ओकरा पॉजिटिव कह करके डॉक्टर शंका कल के ना तो सब डॉक्टर सब जे सब परिवार गेल रहे जचल के सब कुछ कल के तो ओकरा तो ठीक भ गेले कि जनकपुरो जचल के कि कहे काठमांडू जाए केना केना लेकिन जचल के जनकपुर गेल रहे जनकपुर से काठमांडू गेल जनकपुर गेल से नहीं कह सकते थी लेकिन वो परिवार कोविड 19 के पॉजिटिव नहीं अखनी सुनल केकरो हो न तर दवाई के खास करके कमी रहे थे नगर पालिका में दे देने जा करके दवाई दे कम ने वो सब दे दर दर दवाई एकदम बहुत कमजोर ये हमर नाम लक्ष्मण यादव भेल मिथिला बिहारी दू जी पहले ही जगह चल रहा है अठाम जे अपने के कोरोना के जे पहले ही जगह चल रहा है अठाम नहीं है स्वास्थ्य जे मतलब अपने की जे सेवा जे पहुँचक चाहिए से नहीं छे अपने जे स्वास्थ्य लगा अपने के स्वास्थ्य चौकी में अपने के स्वास्थ्य सेवा है मतलब प्रशासन है रह गए अपने के की जे है जे मतलब स्वास्थ्य जो होवे के चाहिए मतलब जन समुदाय में जो पहुंच होवे के चाहिए स्वास्थ्य से नहीं भ रहा है हम मतलब अहाँ के मतलब सेवा विहीन है कि सेवा अहाँ के नहीं पाब रहा है हम पब्लिक हमर नाम जोगिंदर साहब है धनु जी गांव पलिका वार्ड नंबर दू जी है अस्पताल है नहीं 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 डरा रही उन्हें जा रही निधक भक हमरा सबके हबे नहीं करी उ सब नहीं नहीं हमरा सबके इमर को भक जा रही को डर नहीं हबे नहीं करी थी वो छिटे नहीं थे जिनको पास में जाए थी जनता से नहीं नहीं हमरा सबके नहीं छी जरूरी पड़ी थी दवाई तो ओना हम सब जरूर आवश्यकता पड़ी दवाई के लिए जाए नागरिक आवाज में सहभागी संपूर्ण श्रोता सब के बहुत बहुत धन्यवाद दोसर हफ्ता नागरिक आवाज में अपने सब अगर सहभागी होबे चाहे छी तो हमरा सब के स्टूडियो के फोन नंबर है 9807151112 और 9806207874 में अपने सब फोन क अपन अमूल्य सुझाव सलाह प्रतिक्रिया रिकॉर्ड करा सके छी अथवा फेसबुक यूट्यूब पेज में से हो अपने सब अपन अपन बात विचार जिज्ञासा चाहे धारणा राख सके छी सब आब हम सब कार्यक्रम पद्धति के अंत अंत में आबि गेल छी आई हम सब प्रदेश नंबर 2 आ आई अंतर्गत के स्थानीय तह में नागरिक के स्वास्थ्य उपचार के लेल स्वास्थ्य संबंधी सुविधा आ संरचना सबके उपलब्धता आ ओहि में सर्वसाधारण जनता के पहुंच कतेक अछि ओहि विषय सब पर हम सब आजुक कार्यक्रम पद्धति के 4वें अंक में आई बातचीत केली आ आजुक संपूर्ण जनता सब प्रादेशिक आ स्थानीय सरकार संगे बातचीत क अहाँ सबके आगा जहिना के तहिना रखलहुँ ऐसे हम सब ई निष्कर्ष में पहुँचल छी कि सब क्षेत्र से अपन अपन जिम्मेवारी आ कर्तव्य पूरा होए तब मात्र नेपाल के संविधान में सुनिश्चित कयल गेल मौलिक हक अंतर्गत स्वास्थ्य संबंधी हक के उपभोग नेपाली जनता सब कर पाओ से हमरा सबके विश्वास रहल अछि प्रदेश तथा स्थानीय स्तर से नागरिक के जनचाहना सबसे ऊपर राखि कऽ जनता सबक हक हित के लेल अखन के स्वास्थ्य सब दूरगामी रूप से सब स्थानीय
स्तर से लागू करय पड़त से देखल गेल अछि। तब मात्र नेपाल के संविधान में उल्लेखित स्वास्थ्य संबंधी हक हित के संरक्षण भ सकत, नागरिक आ नेतृत्व बीच सहकार्य भ क सब गोट आगा बढ़त, तब मात्र जनता खुशी होब सकला स सबके मिल क सहकार्य क आगा बढ़ी टा पड़त, एमे कोनो शंका नहीं अछि। त श्रोताबिन आजुक कार्यक्रम अहाँ सबके केहन लागल से अपन सलाह सुझाव देब के नहीं बिसरब। रेडियो पत्रिका पद्धति के उत्पादन और प्रसारण अमेरिकी जनता के सहयोग से संभव भेल अछि। ई कार्यक्रम USAID के सहयोग और NDI नेपाल के वित्तीय और प्राविधिक सहयोग में अकाउंटेबिलिटी लैब और रेडियो जनकपुर 97 MHz संयुक्त रूप में तैयार कैल गेल ई कार्यक्रम है। कार्यक्रम उत्पादन में सहयोग उपलब्ध कराबे वाला USAID और NDI नेपाल के बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम अपने सबके केहन लागल, प्रतिक्रिया सुझाव देव के लागे अपने सब नहीं बिसरब। हम सब अहाँ सबके सुझाव प्रतिक्रिया के आधार में कार्यक्रम के आगामी अंक तैयार कर के प्रयास करब। सुझाव और प्रतिक्रिया के लागे अपने सब रेडियो के फेसबुक रेडियो जनकपुर 97 MHz आ यूट्यूब पेज में से हो अपन प्रतिक्रिया मैसेज लिखा सके छी, अथवा हमरा सबके ईमेल एड्रेस radio.jnk123@gmail.com में से हो ईमेल कर सके छी, अथवा हमरा सबके टेलीफोन नंबर 9807715112 9867647 में से हो फोन क के अपन प्रतिक्रिया रिकॉर्ड कराइब सके छी। बेस त आज कार्यक्रम उत्पादन समूह के संपूर्ण टोली और तहिना हमरा सके प्राविधिक में साथ द रहल श्रीकांत जी के से हो बहुत बहुत धन्यवाद देत। ई कार्यक्रम प्रस्तोता हम शीतल सा आ हम सुचिता झा से हो अपने सब से विदा मांगे छी। आगामी हफ्ता फेर से एकटा महत्वपूर्ण विषय ल क अबेटा करब, ता धरि के लागि अपने सब से विदा चाहै छी। धन्यवाद, नमस्कार।